आज मैं व्रत का चीला बनाने जा रही हूँ। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? मिर्ची, अदरक, जीरा और धनिया, सिंगाड़े का आटा, कसी हुई लौकी, काली मिर्च और व्रत का नमक। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें लौकी इस तरीके से। अगर किसी को पसंद ना हो तो आलू भी डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा काली मिर्च, हरी मिर्ची स्वाद अनुसार और अदरक, जीरा, धनिया और एक चम्मच नमक। इसके बाद में लास्ट में सिंगाड़े का आटा। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखिए, इसको इस तरीके से घोल बनाना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। ये तैयार हो गया। अब हम गैस को ऑन करते हैं। इसके बाद में मैं आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। ये तवा गर्म हो गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालते हैं, फिर इसको अच्छी तरीके से इसे फैला देते हैं। इस तरीके से ये देखिए, फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको पलट देते हैं। देखो ये बनकर तैयार हो गया। ऐसे बनता है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं इस तरीके से। ये पककर तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरीके से देखिए ये पककर तैयार हो गया। अब इसके बाद में ये प्लेट में निकाल के रखते हैं। देखिए कितना अच्छा बन गया। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और दिखने में भी बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप सभी लोग ट्राई करिए और बनाइए।